वट इज एग्रीगेट फंक्शन इन एक्सएल आज इस वीडियो में आपको सारे के सारे एक्सल के एग्रीगेट फंक्शन सीखने को मिलने वाले हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा मे भी हो सकता है आपको इनमें से कोई एक एक्सल का ऐसा फंक्शन हो जो ना पता हो और अगर आपको जो फंक्शन सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे जरूर कॉमेंट में बताइएगा और चलिए चलते अपनी वीडियो की तरफ तो गाइस सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन होता है सम अब सम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या करता है टोटल करके देता है अब अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको प्रॉफिट सेल्स और टोटल एक्सपेंस का इस जगह सम निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट और यहां पे हम अपने प्रॉफिट वाले कॉलम को पूरा कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर कर देंगे और एंटर करके आप जब इस साइड ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको सारा का सारा रिजल्ट अपना सेल्स टोटल एक्सपेंस का मिल चुका है नाउ नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन इज मैक्स मैक्स मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू डेटा में ढूंढना अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट की सेल्स की और टोटल एक्सपेंस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना है मैक्स का फॉर्मूला लगाना है मैक्स में हमें अपने प्रॉफिट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू है टू जीरो प्रॉफिट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और अब हम इसको इस साइड ड्रैग कर देते हैं तो हमें तीनों की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है ना द नेक्स्ट फंक्शन इज मिनिमम मिनिमम मीन्स की आपको सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हमें क्या कीवर्ड यूज़ करना है एम आई एन मिन और यहाँ पे हमें अपने प्रॉफिट को इस तरीके से सेलेक्ट करना है ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉफिट की जो वैल्यू आ रही है सबसे छोटी जो है वो है जीरो जो कि मेरे डेटा में अवेलेबल है इसी तरीके से अगर हम ड्रैक करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे मिनिमम जो हमारे टोटल एक्सपेंस हैं सेल्स है वो हमारे सामने आ चुका है तो काउंट अब काउंट हमें मुझसे क्या पूछा गया कितनी ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसने हमें प्रॉफिट दिया है तो यहां आप देख सकते हैं ऐसी चार ट्रांजेक्शन हैं, जिसमें नॉट अवेलेबल है इट मीन कि यहाँ प्रॉफिट का कोई वैल्यू नहीं है तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं हम यहाँ काउंट लगाएंगे और काउंट फंक्शन क्या करने वाला है हमारी सारी के सारे नंबर वाले सेल को काउंट करके दे देगा दैट इज 16 मेरे डेटा में ऐसी 16 ट्रांजैक्शन है जिन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है और बाकी चार में क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट कि जब भी कभी आपके पास ऐसी कोई रेंज है जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों अवेलेबल है तो आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग एग्रीगेट फंक्शन है ना द नेक्स्ट फॉर्मुला इज काउंटा काउंटा फंक्शन क्या करता है हमसे पूछा गया है कि हमने टोटल कितनी ट्रांजेक्शन की है तो अब कई बार आप देख सकते हैं हर किसी में में टेक्स्ट टेक्स्ट भी 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 है number भी है है नंबर नंबर दोनों दोनों चीजें हैं हैं तो तो इस केस जब भी कभी आपको text और number दोनों count करने तो आपको और काउंट करने यूज करना काउंटा फंक्शन तो यहाँ पे अगर मैं काउंटा फंक्शन इस कॉलम पे लगाती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट ट्वेंटी आया और पहले वाले रिजल्ट में सिक्सटीन हमें मिला था तो डिफरेंस बिटवीन काउंट और काउंटा कभी आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है काउंट फंक्शन खाली न्यूमेरिकल से उिटून को ही काउंट करता है और काउंटा फंक्शन आपका काउंटा मींस दोनों के दोनों चाहे वो अल्फा हो या न्यूमेरिकल हो दोनों को काउंट करेगा एक्सेप्ट योर ब्लैंक सेल्स